बच्चों के लिए ऐसा कहा जाता है और ये एनिमे के लिए भी कहा जाता है। लेकिन देखा जाए तो इंसेप्शन जैसा कॉन्सेप्ट पेपरिका एनिमे से इंस्पायर है और एनिमे में टाइम ट्रेवल से लेकर टाइम पैराडॉक्स, मल्टीवर्स, साइफाई हर एक जॉनर को बहुत लॉजिकली एक्सप्लेन किया है, दिखाया है। लेकिन मैं मेरी कुछ फेवरेट सीरीज बताऊंगा जो बच्चों के लिए नहीं है। इसमें सबसे पहले सीरीज आते हैं लव डेथ रोबोट्स। इस सीरीज को जरूर देखना, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट से। और इसके बाद अगली सीरीज आएगी इनविंसिबल। इसके पहले एपिसोड में आपको लगेगा अरे ये भाई ये तो बच्चों की सीरीज है, लेकिन पहले एपिसोड के अगर लास्ट में आप देखोगे तो कई लोग सीन भी नहीं देख पाएंगे। इनविंसिबल का ट्रेन का सीन और इनविंसिबल फ्लैश जैसे कैरेक्टर को मारता है वो सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। इसके बाद डीसी के सभी एनिमेटेड मूवीज हम कह सकते हैं डीप मीनिंग से उनमें, लेकिन मेरी फेवरेट मूवी बैटमैन द डार्क नाइट रिटर्न्स और बैटमैन अंडर द रेड हुड, ये दोनों ही मूवी बहुत बढ़िया है। और खास करके बैटमैन अंडर द रेड हुड, उसमें जब लास्ट में बैटमैन बोलता है कि वो इसलिए लोगों को नहीं मारता कि अगर वो लोगों को मारना शुरू कर दे तो कभी वो खुद को रोक नहीं सकता इस चीज से, और इसकी शुरुआत एक आदमी मारने से ही होगी। ऐसा ही सीन जैसे कि एक मूवी में भी जस्टिस लीग वॉर करके नाम है, जिसमें डार्क साइड को भी दिखाया है। उसमें वंडर वुमन शज़म को चाटा मार कर कहती है कि तुम बड़े आदमी हो और बड़े आदमी जैसा बर्ताव करो। उस पर शज़म वंडर वुमन को कहता है यस मैम, और शर्मिंदा होता है और पूरी जान डाल के लड़ता है। लेकिन बुरा इस चीज का लगता है कि वो असल में सच में एक बच्चा होता है और ये वंडर वुमन को नहीं पता होता। लेकिन इसके बावजूद वो जिम्मेदारी उठाता है और पूरी जी जान डाल के लड़ता है। लास्ट में बात करो एनिमे की तो एनिमे तो बहुत सारे है, लेकिन मेरा फेवरेट 1988 में बना ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। इस एनिमे ने मुझ पर बहुत इम्पैक्ट किया था। ये एनिमे रुलाता है ही, लेकिन ये एनिमे खत्म होने के बाद भी काफी समय तक आप पे एक उसका इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। और एक एनिमे जो सभी लोगों ने देखा है डेथ नोट, जिस तरह लाइट लास्ट में दौड़ता है और जाकर सीढ़ियों पे मरता है, जो लड़की लाइट से बहुत प्यार करती है वो भी सुसाइड कर लेती है, और ऊपर से शिनिगामी जो डायलॉग बोलता है वो एंडिंग हमेशा मुझे याद रहेगी। तो कमेंट कर जरूर बताना कि आपको कौन सा कार्टून एनिमे लगता है जो बच्चों के लिए नहीं है। Gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded?